हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग ग्रामर टॉपिक। ग्रामर टॉपिक आज हम लेंगे। सिक्स सेवन्थ एट्थ के जो आपके क्लास के चैप्टर्स हैं वो हमने आगे तक कर दिए हैं। सेवन्थ और एट्थ चैप्टर तक हमारा हो गया है, तो कुछ ग्रामर टॉपिक्स भी हम लेंगे यहाँ पर। आज हम ग्रामर टॉपिक हमने लिया हुआ है डिग्रीज आज हम समझेंगे। तो यहाँ पर डिग्रीज को समझने से पहले हम ये समझ लें पहले कि सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था। सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। जो हमने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो आपको मालूम है कि सेंटेंस में तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और वर्ब भी कितने फॉर्म्स होते हैं वर्ब के। टेंसेस में आपने पढ़ा था पहले वर्ब के तीन फॉर्म्स होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। सपोज हम कोई भी एक वर्ड ले लें, सपोज हम वर्ड ले रहे हैं, मान लीजिए बीट ले लिया हमने, तो वी टू का क्या हो जाएगा बीट, और वी थ्री का क्या हो जाएगा बीटन। तो जैसे तीन फॉर्म्स होते हैं, टेंसेस भी हमने पहले पढ़ी हुई, टेंसेस तीन प्रकार की होती हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। वैसे ही डिग्रीज भी तीन प्रकार की होती हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डिग्री जो हम पढ़ेंगे वो है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड है कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। ये तीन डिग्रीज हैं जो आपको हमें पढ़ना है। फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकेंड है कंपैरेटिव और थर्ड है सुपरलेटिव। तो शुरुआत से हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव का मतलब और क्वेश्चंस आपको कैसे आते हैं। सबसे पहले तो मैं इनका चार्ट आपको बता दे रहा हूँ। चार्ट बताने के बाद में मैं आपको सेंटेंस कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बता दूंगा मैं आपको। तो तीन कॉलम्स में हम पढ़ेंगे। पॉजिटिव डिग्री एक वैसी डिग्री है जो प्रेजेंट टेंस है, जिससे प्रेजेंट टेंस आपने पहला पढ़ा कि वर्तमान काल होता है प्रेजेंट टेंस। तो पॉजिटिव डिग्री भी शुरुआती डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री होती है, बिगिनिंग पॉइंट होता है। कंपैरेटिव डिग्री में थोड़ा सा उल्टा है। कंपैरेटिव डिग्री में हम हमेशा कंपेयर करते हैं। जैसे कंपैरेटिव है, इसको हम वर्ड को तोड़ देंगे तो यहाँ पर जाएगा कंपेयर। कंपेयर मतलब होता है तुलना करना। किसी भी दो चीज़ की हम तुलना करते हैं तो उसको हम कंपेयर बोलते हैं। और लास्ट में है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का कहने का तात्पर्य यह है कि सुपरलेटिव मतलब होता है सुपर, मतलब सारे लोगों से हमें कंपेयर करना पड़ता है। जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी वर्ब फॉर्म्स होते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं, उसमें हमें आगे ले जाकर सब चीज़ों को करना पड़ता है। तो यहाँ हम देखेंगे तीन कॉलम्स आप बना लें, पी सी और एस। सपोज वर्ड फर्स्ट वर्ड ले लिया हमने हाई, तो हाई का क्या हो जाएगा हाइयर, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा हाईएस्ट। टॉल ले ले हम, टॉल का क्या हो जाएगा टॉलर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टॉलेस्ट। थिन ले ले हम, थिन, थिनर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा थिनेस्ट। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ER और EST, ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पीछे आपको यही लगाना है ये वर्ड्स में। और देर आर लॉट ऑफ वर्ड्स इन डिग्रीज, अगर हम बात करें बहुत सारे वर्ड हैं। मैंने यहाँ पे हाई का लिया है, टॉल, थिन, फैट, फैटर, फैटेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, बहुत सारे वर्ड हैं। पर कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो हमें ER और EST नहीं लगाना है, उसमें हमें मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। सपोज मान लें हमने ये वर्ड देख लिया और दूसरे वर्ड भी हम देख लें, जैसे मान लें जैसे गुड हो गया। अब गुड में आपने बोला तो हमें ये नहीं करना है कि इसमें भी ER और EST लगा देना, नॉट लाइक दैट। हम इसमें क्या लिखेंगे, गुड का हो जाएगा आपका क्या बेटर, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा इसका बेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ER और EST इसमें नहीं लगेगा। वैसे सेम फॉर बैड ऑल्सो, बैड ये हो जाएगा वोर्स, यहाँ हो जाएगा वोर्स्ट। वैसे ही अगर हम बात करें लिटिल, लिटिल का हो जाएगा लेस, और सुपरलेटिव में हो जाएगा लीस्ट। वैसे ही अगर हम बात करें मच,
मच का हो जाएगा मोर, और सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट। तो ये वर्ड्स आपको कुछ ध्यान रखने हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने अलग से आपको बता दिया है। और भी दो एक वर्ड हैं जिसमें हम मोर और मोस्ट यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल में भी वैसा नहीं करना हमें कि ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट, नॉट लाइक दैट। हम यहाँ पे करेंगे मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ पे क्या रहेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। ये आपको ध्यान रखना है। सेम ब्यूटीफुल का उल्टा क्या हो जाएगा, अगली। इसमें वैसे करेंगे मोर, अब यहाँ पे आई मौजूद है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था सिंगुलर जब प्लूरल बदलता है पीछे आई रहता है, तो ये किससे बदल जाता है, आई एस से बदल जाता है। तो वैसे हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम आई आर करेंगे और यहाँ पे हम आई एस सी कर देंगे, तो ये हो जाएगा मोर अगलियर, ये हमने वाई को कन्वर्ट कर दिया इसमें, और मोस्ट अगलीएस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कुल मिला के आई ई आर और आई ई एस टी, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ कोडवर्ड्स हैं जो आपको इसमें ध्यान रखना है पीछे लगाने की, हमें ई आर ई एस टी कहाँ लगाना है, आई ई आर आई एस टी कहाँ लगाना है। कुछ वर्ड्स में चेंजेस नहीं होते हैं, अलग ही हो जाता है। गुड का बेटर बेस्ट बताया मैंने आपको, बैड का वर्स और वोस्ट बताया। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें चेंजेस नहीं है ज़्यादा, आपको देखा होगा अलग ही चेंज होगा, जिसमें हमको पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसका एक अलग ही वेरिएंट आता है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया है, अब हम देख लें एक सेंटेंस और मैं बता दे रहा हूँ आपको, सेंटेंस जिस तरह से आते हैं उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। सपोज राम इज अ टॉल बॉय, ये आपका हो गया, आप समझ रहे होंगे ये हमारा है पॉजिटिव में। पॉजिटिव में क्यों है, क्योंकि हमें मालूम है टॉल जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री में है ये। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि कंपेरेटिव डिग्री में आपको बदलना है और सुपरलेटिव डिग्री में आपको बदलना है, तो सी में भी बदलना है हमें और सुपरलेटिव में भी बदलना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कंपेरेटिव में हम कंपेयर करते हैं किसी भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे और पॉजिटिव का कंपेरेटिव डिग्री हो जाता है। तो हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, राम इज टॉलर बॉय। अब कंपेरेटिव में हमेशा ध्यान रखना, कंपेरेटिव में कंपेयर करने के लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं देन, देन का इस्तेमाल आपको कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा करना पड़ेगा और देन से ही आपका पूरा होगा। टॉलर बॉय देन श्याम, तो ये हो गया आपका कंपेरेटिव डिग्री। सेम सुपरलेटिव में भी है, आपको कुछ नहीं करना है, कंपेरेटिव डिग्री में सिर्फ एक व्यक्ति से कंपेयर करना है डिपेंडिंग अपॉन दी जेंडर। हियर मस्कुलाइन जेंडर इज देयर, तो हम क्या करेंगे मस्कुलाइन जेंडर का एक और एग्जांपल ले लेंगे, कोई भी दूसरे व्यक्ति से हमने कंपेयर कर दिया, बट इट शुड बी इन मस्कुलाइन जेंडर। सुपरलेटिव मैंने बताया था सुपीरियर होता है सारी चीज़ों से, तो हमें अब सब लड़कों से कंपेयर करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे एक लड़के से कंपेयर किया था, हम सारे लड़कों से कंपेयर करेंगे उसमें क्या होगा, देखिए राम इज टॉलेस्ट, टॉल के बाद टॉलर हो गया, टॉलर के बाद टॉलेस्ट हो गया, और ऑफ ऑल द, अब ये बॉय है कंपेरेटिव से सुपरलेटिव में गया, तो हमारे बहुत सारे लड़कों से हम कंपेयर कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा है बहुत सारे लड़कों से कंपेयर, सब लड़कों से कंपेयर कर रहे हैं, तो बॉय का क्या हो जाएगा सिंगुलर से क्या बदल जाएगा प्लूरल, तो बॉय का हो जाएगा बॉयज, राम इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, तो ये आपका हो गया सुपरलेटिव में। ये बात ध्यान रखें कि मैंडेटरी क्या चीज़ है, ऑफ ऑल द, ये हमेशा सुपरलेटिव में आते ही है। सुपरलेटिव में आप जब भी आप लिखोगे तो ऑफ ऑल आपको मौजूद रहेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा सुपरलेटिव में जब आपका सेंटेंस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है कि सेंटेंस ऐसे आ जाए कि कंपेरेटिव सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में, ये आपको देखना पड़ेगा और वर्ब फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे,
वर्क फॉर्म्स के साथ मैंने डिग्रीज मैंने बताई हुई हैं और वो भी याद करनी पड़ेंगी। जब तक डिग्री के वर्ड आपको रेटिफाई नहीं होंगे तब तक आप इसको चेंज करने में आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएंगे। चेंज करने के लिए हमें याद करना पड़ेगा। बट ये याद ध्यान रख लें कि हमारे पास तीन डिग्री हैं, तीन डिग्री किस तरह से हमें काम आती हैं, कंपेरेटिव कंपेयर करने काम आती है, सुपरलेटिव सुपीरियर चीज़ों के लिए काम आती है, तो ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, चाहे हम डिग्रीज के लिख लें, सब बोल दिया उन्होंने कि टॉल का आगे क्या है, टॉलर है, और टॉलेस्ट के आगे क्या है, यही पूछ सकते हैं। चाहे तो सेंटेंस कन्वर्जन में भी आ सकता है, इस तरह से भी ये पूछ सकते हैं। एंड दिस टॉपिक इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर द सिक्स एंड सेवन्थ क्लास बट ऑल द क्लासेस फ्रॉम फिफ्थ टू टेंथ क्लास। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन टू मेक अंडरस्टैंड ऑल द एक्सप्लेनेशन। एंड टिल देन वी विल बी ब्रिंगिंग यू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।